अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा ट्रैवलॉग जो है वो है सरफरंगा डेजर्ट और शिखर फोर्ट की तरफ, और ये हम थोरको पुल से उस टाइम गुजर कर जा रहे थे सरफरंगा डेजर्ट। और अभी यहाँ पर तकरीबन सरफरंगा डेजर्ट शुरू हो चुका था। ये एक चेक पोस्ट आती है जिसको क्रॉस करते ही आप लोग इसमें डेजर्ट में आप लोग एंटर हो जाते हैं। तो इसमें एंटर होने के बाद थोड़ा ही आप आगे जाते हैं तो सरफरंगा डेजर्ट शुरू हो जाता है, जिसे आप लोग गोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। हम लोगों तो इसको ज़्यादातर सरफरंगा ही इसका नाम सुना, लेकिन इसको गोल्ड डेजर्ट भी ज़्यादातर कहा जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान एक डेजर्ट है, जो आपको हर तरफ चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की खूबसूरती देखिए कि पहाड़ों के दरमियान आपको एक डेजर्ट नज़र आता है, सहरा, जिसे हम लोकल जबान में थल भी कहते हैं। और ये ठंडा थल है जहाँ पर ठंडा पानी ठंड ज़्यादा होती है। ये एक बहुत ही ठंडा इलाका है। वैसे यहाँ पर स्कर्दू का ये डिस्ट्रिक्ट है, बल्कि स्कर्दू का नहीं, ये शिगर का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट शिगर है। शिगर के अंदर आप जैसे ही एंटर होते हैं तो पहले आप सरफरंगा डेजर्ट में एंटर होते हैं। ये हमारी सारी फ़ोटो सरफरंगा डेजर्ट की आप देख रहे हैं। और आइए बाबे शिखर से आगे हम लोग क्रॉस करते हैं और जाते हैं टूवर्ड्स शिखर फोर्ट। ये वहाँ पर थोड़ा सा रुक के मैंने वीडियो बना ली जाए तो वीडियो बनाई और चंद एक फोटोज़ भी हमने वहाँ पर ली। फिर उसके बाद तो आइए आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हम बढ़ते हैं शिखर फोर्ट की जानिब। ये शिखर फोर्ट है जो अब सेरिना होटल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि उस पर बहुत ख़र्चा आता था तो वो अफोर्ड करने उसको खर्चे को अफोर्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वो इसको शिखर फोर्ट को सेरिना में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लोग सेरिना में स्टेप एंटर हो चुके हैं और आइए आपको अंदर से सेरिना और शिखर फोर्ट अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पर एंटर होने के बाद, क्योंकि इसकी एंट्री फीस भी है और एंट्री फीस देने के आपको ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर एक गाइड होता है हमारे साथ, जिसको आप देख रहे हैं, ये रेस कोर्स में गाइड है, ये हमें बताएगा कि क्या चीज़ें हैं। ताकि लोग राजा के सामने आए तो ताजी मंजूक कर राजा यहाँ पे भी चाहते थे और रूलर को भी चाहते थे लोग इनके सामने बहुत डाउन हो जाए, इसलिए शार्ट डोर मेट बहुत दिन स्लूज बिफोर एंट्री होती है तो ऑटोमेटिकली। सेकंड रीजन ये थी जब दरबार लग जाते थे राजा खुद कहाँ से आता था, बहुत से रास्ते पहला की तो वो भी डाउन तो वो भी हो जाता था बहुत पहला बैठ जाते
लेटेस्ट फॉर्म में, और ये जो सीलिंग है ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ये सीलिंग लेटेस्ट फॉर्म में है। वैसे यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती क्योंकि अली भाई वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने पाँव की तरफ कैमरा क्यों मोड़ दिया, शायद वो दिखाना चाह रहे थे कि हमने अच्छे शूज़ पहने हैं। अलमारी में खास बात ये सही है, देखेंगे जो डिज़ाइन बनी हुई ना ये सितार का पैटर्न बना हुआ सर जी, ये फ्लावर रेक्टेंगल्स का पैटर्न, यहाँ पे सन का पैटर्न है, यहाँ भी छोटे मोटे सन एंड सितार का पैटर्न बने हुए हैं। एंड दिस इज द डोर ऑफ द कवर्स एंड दिस इज द वुडन बॉक्स सिस्टम ऑफ द कवर्स सर, इसके अंदर के चाबी हुआ करते थे जिसके तीन दान हुआ करते थे, हाथी की दान की तरह, इसको यहाँ से तीन दफा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती है। अगर आप इसको दो दफा या चार दफा या पांच दफा प्रेस करें तो ये सारे इनका हरम था, यहाँ से लोग आके घर नमाज पढ़ते ये हरम था। अभी ये गेस्ट रूम बन गया, अभी हमारे पास इधर 13 हिस्टोरिकल रूम्स हैं एंड 7 मॉडर्न रूम्स हैं, टोटल 20 रूम्स हैं। ये मटका है पानी का एंड दिस इज ऑयल लैंप, बहुत मजे के ऑयल लैंप है सर जी, यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल डालें, तो ये कहीं हैंग किया जाता था, ये रोटेट में चलती थी। और ये बटर पॉट है, ये हमारे टी शेकर है, and this is the local pressure cooker, look at this, it waits, oh nice, it's lock system also, approximately said this pressure cooker is the 200 years old।